क्या आपने कभी देखा है कुत्ते का आधार कार्ड? क्या आपने देखा है कुत्ते का जाति प्रमाण पत्र? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुत्ते का आधार कार्ड और जातीय प्रमाण पत्र भी, जिसे देखकर विभागीय कर्मचारी भी भौचक्के रह गए। आपने अपना और अपने परिवार का जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया होगा, लेकिन आज हम आपको एक अजीब और गरीब मामला दिखाने जा रहे हैं, जहां एक शख्स ने कुत्ते के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, जिसे देखकर विभाग के कर्मी का सिर चकरा गया। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते के नाम से जाति प्रमाण पत्र पाने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया है। ऑनलाइन आवेदन में शख्स ने आवेदक का नाम टॉमी, पिता का नाम शेरू तो माता का नाम गिनी बताया है। साथ ही उसने कुत्ते की जन्मतिथि और कुत्ते के आधार कार्ड का भी जिक्र किया है। आवेदन में मोबाइल नंबर 993460 और कुछ अंक हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन पेशा स्टूडेंट, जाति अनुक्रमांक 113 और आवेदन संख्या BCCCO/2023/314491 है। इस आवेदन में स्वयं शपथ पत्र भी दिया गया है। हैरत की बात यह है कि इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। आधार कार्ड पर कुत्ते की फोटो भी लगी है। मामला चर्चा में आने के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया और आवेदनकर्ता को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के गया जिले के गुरारू अंचल कार्यालय का है। इस बारे में जब गुरारू प्रखंड के अंचल अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिए गए नंबर को एक एप्लीकेशन पर डायल करके देखा गया तो राजा बाबू गुरारू नाम का दर्शा रहा है। इसे किसी की शरारत माना जा रहा है। सरकार लोगों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन शरारती तत्व उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। शरारत करने वालों को जल्द ही चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना जारी है। इस दौरान गया में कुत्ते भी अपनी जाति बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय में आवेदन दे रहे हैं। हालांकि ये करतूत किसी शरारती तत्व की है, जिसने टॉमी नाम से अंचल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भर दिया। मामला उजागर होने पर गुरारू के अंचल अधिकारी ने इस आवेदन को देखा तो फौरन इस पर एक्शन लेते हुए जांच की बात कहते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। आवेदन देने वाले शरारती तत्व को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।